अफोर्डेबल रेफ्रिजरेटर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा एक सबसे सस्ता और अफोर्डेबल रेफ्रिजरेटर का। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, इसका प्राइस भी बताऊँगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा इस फ्रिज के बारे में, फीचर्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द ऑल नोटिफिकेशन बटन। आप लोगों को सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा जैसे मैं अपलोड करूँगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ब्रांड बॉक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चर जो है ये मई 23, 2023 का है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जब भी रेफ्रिजरेटर को आप लोग अनबॉक्स करेंगे तो हमेशा इसका जो ऊपर का बॉक्स से कवर है वो हमेशा स्ट्रेट ऊपर से इसे अनबॉक्स कीजिए, ऊपर से खोलिए। फ्रिज को कभी भी साइड में लटा के या फिर घुमा के इस अनबॉक्स मत कीजिएगा। फ्रिज ऑन कर दिया है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते। ये डायरेक्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर है, इसमें कंपनी क्लेम करती है कि वर्ल्ड्स नंबर वन रेफ्रिजरेटर ब्रांड। और यहाँ पे देखिए ये जो कलर है इसका बर्गंडी रेड है। यहाँ पे एक पैकेज है, इसमें आइस क्यूब है और इसमें एक ट्रे भी है। इस आइस क्यूब को आप डीप फ्रीजर में जैसे आप यूज़ करते हैं ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये आइस क्यूब बनाने के लिए। इसमें रेफ्रिजरेटर का की है और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी है। इस फ्रिज के एक बार ओवरऑल लुक देख लीजिए, काफ़ी प्रीमियम लुक है। साइड से ऊपर से बर्गंडी रेड कलर में काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, इनबिल्ट क्वालिटी अच्छा लगा मुझे। ये यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे है और एक ट्रे भी है। आइस क्यूब ट्रे का क्वालिटी भी ठीक ठाक है, अच्छा क्वालिटी है। इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है फ्रिज का। और इसमें वारंटी कार्ड, मैनुअल गाइड्स भी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसमें आप देख सकते हैं, और भी जो रेफ्रिजरेटर के मॉडल्स है हेयर की वो भी उन्होंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा उस ब्रांड के बारे में, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। यहाँ पे आपको दो ट्रे मिलते हैं, एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। ऊपर डिफ्रीजर है, ये डीप फ्रीजर का पार्ट है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी है, ये विंटर से स्टार्ट होता है, विंटर मतलब लेस कूलिंग। थोड़ा और ज़्यादा कूलिंग चाहिए आपको तो आप मानसून कर सकते हैं इस बटन को राइट साइड से घुमा के, फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाइए कूलिंग को, तो आप यहाँ पे अगर समर पे जाएंगे तो आपको मैक्सिमम कूलिंग मिलेगा। यहाँ पे ये मेन स्टैंड है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं। और जो मिडल में जो बटन है, ये मिडल का जो बटन है वो डिफोर्स्ड बटन है। इसमें वीकली आप दो बार तीन बार यूज़ कर सकते हैं इसे। इससे कोई भी सर्फ ऑब्जेक्ट यूज़ मत कीजिए, सर्फ मेटल ऑब्जेक्ट लाइक नाइक, इसको बर्फ, इसको जो आइस है उसको रिमूव करने के लिए। इस फ्रिज के रिव्यू के बारे में भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, अच्छा रिव्यू है, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया इस फ्रिज की, ब्रांड रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अभी से ट्रस्ट कर सकते हैं इस फ्रिज के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक ब्रांडेड फ्रिज है ये। इस फ्रिज का प्राइस सिर्फ 10,400 रुपीज़ है, 11,000 से भी कम। विदाउट GST 8,813 रुपीज़ की है, बट कभी भी विदाउट GST बिल मत बनाइए, हमेशा GST के साथ ही बिल बनाइए। इस बैक साइड में आप लोगों से दिखाना चाहूँगा, जो फ्रिज है इसमें कंडेंसर नहीं है, जो ग्रिल्ड कंडेंसर होते हैं ओल्ड फ्रिज में हुआ करता है, जो ग्रिल कंडेंसर है इस फ्रिज में नहीं है। अभी जो न्यू फ्रिज सारे, जो न्यू मॉडल सारे फ्रिज की सारे ब्रांड्स का, तो उसमें ये इनबिल्ट है, तो ये नॉर्मली जो हीट है उसे रिलीज़ करने के लिए काम करता है जो कंडेंसर है। नॉर्मली ये इनबिल्ट है इस फ्रिज में, और जो भी न्यू मॉडल सारे होंगे उसमें भी इनबिल्ट मिलेगा आपको। ये ब्रांड के इनसे मॉडिफिकेशन की गई है फ्रिज के साथ। और इसमें ये फ़ायदा भी है कि जब फ्रिज आप साफ़ करते हैं तो उसमें ग्रिल्ड होने से, बाहर होने से उसको साफ़ करने में परेशानी होती है, पर यहाँ पे आप आराम से फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं, उसे क्लीन रख सकते हैं। इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है, ये फ्रिज अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है एयर में तो नॉर्मली ये हीट, जब फ्रिज का बॉडी हीट होगा तो इसमें ड्रॉपलेट्स अभी स्वेटिंग होने का चांसेस है, तो इसमें ये कोई डिफेक्ट्स नहीं होगा फ्रिज के लिए। तो नॉर्मली अगर स्वेटिंग ऐसा होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाकी यहाँ पर ब्रांड का नंबर है, आप चाहते हैं इस ब्रांड के नंबर से कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई परेशानी होता है, कोई इशू होता है। इसमें 10 ईयर्स की वारंटी है, ब्रांड आपको होम साइड वारंटी मिल जाएगा, 1 साल का फ्रिज का वारंटी है और 10 ईयर्स का आपका जो कंप्रेसर है उसका वारंटी है।